विशाळगडावरील गजापूर गावातील धार्मिक स्थळावर झालेल्या हल्ल्याचा पैठणीतील मुस्लिम समाजातील बांधवांनी निषेध केला असून या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवरती कडक कारवाई करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे पैठणचे तहसीलदार सारंग चव्हाण यांना निवेदन देऊन केली आहे. शुक्रवारी दुपारी 500 अधिक मुस्लिम समाज बांधवांनी एकत्र येऊन तहसीलदार यांना निवेदन दिले. आमचे प्रतिनिधी गौतम बनकर यांनी या संदर्भात आढावा घेतला आहे, पाहूयात. बहुत सारे हिंदू समाज के लोग भी है जो इसको पूरा समझ रहे हैं, पूरा मान रहे हैं, पूरा कह रहे हैं. कुछ समाज कंटकों ने ये जो काम किया है, ये ना शिवाजी महाराज के भक्त है, ना किसी राम के भक्त है. ये कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे. अगर ये राम राज्य ऐसा लाना चाहते हैं जो मस्जिदों और मंदिरों को तोड़ने की बात करता है, तो ऐसा राम राज्य का हम समर्थन नहीं करते. हम आपको एक चेतावनी के तौर पर एक बात बताना चाहते हैं. इसके बाद अगर कोई भी वारदात होती है तो कोई भी मुसलमान अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए, और जहाँ भी मालूम पड़े कि ऐसी वारदात हो रही है वहाँ पे सब जमा हो जाए, ताकि वहाँ छोड़ के ना भागे. मेरे भाइयों, आज फलस्तीन का मंजर हमारे सामने है. एक मस्जिद के खातिर पूरा देश तबाह हो रहा है, लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ रहे. वो ईमान का जज्बा उनके अंदर है. बच्चे उनके सामने मर रहे हैं लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ रहे. और कल जो घटना हुई, अगर वो मुसलमान मस्जिद में अगर मुत्तहिद रहते थे तो किसी की क्या मजाल. जहाँ 313 थे तो हजारों के लश्कर पीछे हट गए. और खास तौर से हमारे नौजवानों को जज्बात में लाकर ऐसी चीजें करवाने का उनका प्लान. मेरी हमारे सब नौजवानों से अपील है कि कानून हाथ में ना. पुलिस प्रशासन वहाँ पर जख्मी हुआ, इसका मतलब उन्होंने कोशिश नहीं की. उन्होंने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद भी वो घटना हुई. और हमको पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि आइंदा से ऐसी घटनाओं को रोकेंगे. और ये क्यों होने वाला है ये भी मैं बता दूं कि अब आइना इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का, और महाराष्ट्र लोकसभा के इलेक्शन में ये जातिवादी ताकतों ने शिकस्त खाई. इसके लिए अब ये आने वाले इलेक्शन में उनको फ्लोराइजेशन करने का है वोट का, और वो सिवाय जातिवाद के नहीं होने वाला. और सबसे अच्छा जो है चारा मुसलमान, इसके लिए हमको टारगेट किया जाता. अगर हिंदू मुस्लिम के वोट डिवाइड हो गए तो उनका काम आसान हो जाएगा. इसके लिए हमको जो है बहुत सब्र से काम लेना है. हमको कानून हाथ में नहीं लेना है. जो भी हम पुलिस प्रशासन है और रिजर्व प्रशासन है, कलेक्टर है, हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे. हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे. अगर हम भी जज्बात में आकर कुछ कर बैठेंगे तो वो उनके मकसद में कामयाब हो जाएंगे. तो हमको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है. और हमको जो ये इलेक्शन में उनको बताना है, आने वाली विधानसभा के इलेक्शन में हम वहाँ पर जो है हमारी ताकत बताएंगे. बजाय हमारे नौजवानों ने जो है कानून हाथ में लेने के, विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है और हमारा वोट ही हमारा जिहाद है.